तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हीरो स्प्लेंडर प्लस के नए वेरिएंट के बारे में, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। एक बार मैं आपको इसका डीआरएल ऑन करके दिखा देता हूं, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आखिर हम लोग किस वाले वेरिएंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इसमें साइड में दो डीआरएल लग के आ जाते हैं, जिसमें जो आफ्टर मार्केट जो हेडलाइट लोग लगवाया करते थे, कंपनी ने सोचा कि क्यों ना ऑफिशियली मैं अपना कुछ डाल देता हूँ, ताकि लोग इस बात को मतलब यूज़ कर सके इस चीज़ को। देखो, लोगों के रिव्यू के हिसाब से ही गाड़ियाँ अपने आप को चेंज करती हैं, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो जो चीज़ हो। तो ऐसे ही कंपनी भी इसमें कुछ ना कुछ चेंज करके आई। अभी तो मैंने सिर्फ डीआरएल इसका ऑन किया हुआ है, अभी इसमें हेडलाइट भी ऑन होनी है, शायद इसमें पेट्रोल अभी नहीं है। अदरवाइज अगर देखता हूँ, अगर ये ऑन हो जाता है तो मैं आपको ऑन करके भी दिखा देता हूँ। तो ये तो इंडिकेटर, तो इसका हज़ार्ड हो गया, हज़ार्ड की स्विच यहाँ पर दे दी गई है, ये वाली। तो मैं एक बार देख लूँ साइड डीआरएल ऑन हो जाए तो हाँ, इसका हेडलाइट भी ऑन हो सकती है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं फुल हेडलाइट ग्लो हो सकती है बैटरी पर। और शायद इसीलिए इसके अंदर जो है बैटरी की कैपेसिटी को बढ़ाया गया, जो कि मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था। और ये भी देख लो, पहले इसमें ATZ4 साइज़ की जो बैटरी थी वो लगती थी, लेकिन अभी इसमें ATZ5 जो है बैटरी वो लगती है। तो ये चीज़ हो चुका है। बाकी इसके अंदर लास्ट में आपको दिखाया था वीडियो में कि सीट के नीचे जो इसका मडगार्ड वाला एरिया वो चेंज हो चुका है। इसी इसका टैंक के नीचे आ चुका है, जो कि पहले सीट के नीचे था, अब वो टैंक के नीचे आ चुका है। कई सारे इसमें सेंसर लगा दिए गए हैं, जो कि शायद आपको इस वीडियो में दिख रहे हो, नहीं तो आप लास्ट वीडियो जाके देख लीजिएगा, वहीं पर मैंने आपको दिखा दिया है। बाकी इसमें एक बार हम लोग आके देख लेते हैं इसका सुमे कस्टर। ये पूरी तरीके से चेंज हुआ, जो कि एक्सटेक वाला आता था, जस्ट वही वाला इसमें डालने की कोशिश की गई है। थोड़ी एक स्विच है यहाँ पर मोड, जिसमें ट्रिप ए दिखाएगा, ट्रिप बी दिखाएगा, ओडो दिखाएगा और वापस से ट्रिप ए पर आ जाएगा। शायद लॉन्ग प्रेस करने पे कुछ हो तो सिर्फ रीसेट होगा। अब देखें ओडो पर अगर लॉन्ग प्रेस करें तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया। बाकी यहाँ पर फ्यूल का बार, यानी फ्यूल की जो लाइट होती है इल्यूमिनेट हो रही है। न्यूट्रल यहाँ पर है, हेडलाइट यहाँ पर है, चेक इंजन लाइट यहाँ पर है, इंडिकेटर है, साइड स्टैंड है, हेडलाइट का अपर डिपर है, यहाँ पे I3S का है। फ्यूल के बार्स यहाँ पर आपको धीमे धीमे फुल नज़र आएंगे। RPM तो इसमें आता नहीं है एक बार को, लेकिन अगर हेड इसका मैं हज़ार ऑन करता हूँ, देखूँ कोई यहाँ पर इल्यूमिनेशन होता है, तो हाँ हज़ार ऑन करने पर इसके जो इल्यूमिनेशन है वो हो जाते हैं ऑन, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हो गया। बाकी अगर इसमें इसका हेडलाइट ऑन करता हूँ, सामने आप देखिएगा रोशनी, तो देखूँ क्या यहाँ पे, हाँ तो ये देखो ये ब्लू वाली जो लाइट है वो ऑन हो जाती है। मीटर पे इसका कोई भी इंडिकेशन नहीं आता है, और कुछ अपर डिपर तो अभी होगा नहीं, क्योंकि इंजन स्टार्ट नहीं है, हॉर्न से कोई लाइट जलती नहीं है, स्टार्ट अभी कर नहीं सकते क्योंकि पेट्रोल इस बाइक में नहीं है। प्लांट से पहले आता था, अब नहीं आता है, तो अभी नहीं डालना पड़ेगा। बाकी हीरो का जो लोगो है वो वापस से डाल दिया गया, जो कि अकेले 500 रुपये की कीमत का आता है दो पीस। स्प्लेंडर प्लस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, और एक्सटेक 2.0 यहाँ पर देखने को मिल जाता है। स्ट्राइप्स पूरी तरीके से चेंज किए गए हैं, कलर नया है, बस ये कलर टैंक पर है और थोड़ा सा यहाँ पर इसके स्टिकर पर है। बाकी जो रियर का जो पुराना वाला आता था, आई थिंक वही वाला है। इसके जो रियर का जो लोहे के बार होते हैं, जो जिस पे आप सीट रख करके बैठ रहे हो, वो चौड़े कर दिए गए हैं, और साथ में इसका जो ये पीछे का मडगार्ड है वो पूरी तरीके से चेंज करके दे दिया गया है। इंडिकेटर्स चेंज होकर के आ रहे हैं, पहले ये इंडिकेटर्स नहीं आते थे, पहले ये वाले इंडिकेटर्स आते थे, जो कि अभी फ़िलहाल इसमें ये वाला आ रहा है। और अगर बात करें इसमें तो आप देखो तो इसमें चैन कवर जो है वो प्लास्टिक का देखने को मिल जाता है, स्टील का आता है। अभी मैं आपको दिखा भी दूँ एक आध दो में, तो फिर बाद में देखेंगे। बाकी इसमें साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच मिल जाता है। गियर के लिए लीवर जो है नॉर्मल से पुराने वाले ही डाल दिए गए। इंजन में कोई खास चेंजेस नहीं आए हैं। प्रोग्राम डेफाई की बैजिंग वही पुराने वाली जैसे आया करते, साड़ी गार्ड वही पुराने वाले, टायर MRF के वही पुराने वाले, 8018 के फ्रंट टायर, 8018 के रियर टायर ऐसे कुछ डाल दिए गए हैं इसके अंदर, तो उसमें भी कोई खास चेंजेस नहीं आए हैं। बाकी अगर टेल लाइट की बात की जाए तो टेल लाइट पहले प्योर बॉक्स ही आती थी। यहाँ पर देखो, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो कुछ इतना है, और अगर मैं पीछे आ जाता हूँ, पीछे देखो तो मेरा उंगली पूरी अंदर चली जाती है। तो ये पुराना वाला वेरिएंट है जिसमें प्योर बॉक्स ही था, अभी थोड़ा सा राउंड करने की कोशिश की जा रही है, धीमे धीमे इसे भी चेंज किया जाएगा। बाकी सीट पुरानी वाली है, इसमें कोई भी खास चेंजेस नहीं आए। मडगार्ड पुराने वाले हैं, इसमें कोई भी खास चेंजेस नहीं आए हैं। जो चेंजेस आए हैं वो सेंसर के हैं, वायरिंग की है, हेडलाइट की है। हेडलाइट भी आप देख लो काफ़ी अच्छी खासी बड़ी बल्कि सी डाल दी गई है, इसमें कोई भी कोताही नहीं की गई है।
दो LED के बल्ब ऊपर हैं, एक LED का बल्ब नीचे है। उसके बाद यहाँ पर DRL आपको देखने को मिल जाते हैं। इंडिकेटर्स LED के अभी तक नहीं आते, लेकिन हाँ टाइप ज़रूर चेंज कर दिया। सस्पेंशन वही जो आते हैं पुराने वाले, वही डाल दिए गए। फ्रंट टायर मैंने आपको दिखा दिया कि MRF के हैं, इसमें कोई भी खास चेंजेस नहीं है। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आ रही है, तो ये भी वही हो गया। यानी कि इसमें जो मेन चीज़ हैं वो मैं आपको कहूँगा हेडलाइट, इसके स्विचेस, जो कि स्विचेस की क्वालिटी बहुत ज़्यादा प्रीमियम कर दी गई है। मैंने आपसे बताया था कि इसमें जो स्विचेस हैं वो जैसे लगता है कि किसी बेकरी में बन करके आ रहे हों। बहुत ज़्यादा रफ टफ टाइप के नहीं थे, मतलब बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल चाइनीज जैसे होते हैं वैसे दिखते थे। तो ब्रांड है अब, लेकिन अब इसकी जो है क्वालिटी काफ़ी अच्छी बढ़ा दी गई है। वायरिंग जो है थोड़ी सी अलग हुई है, चेंज हुई है। कुछ सेंसर हैं गद्दी के नीचे, वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखा दिया है। ECU जो है जस्ट इस हिस्से पर, यहाँ पर टैंक के नीचे डाल दिया गया है, तो ये हो गया। बाकी जहाँ पहले ECU लगता था वहाँ पे पूरा फ्लैट कर दिया गया है, तो थोड़ा बहुत कागज़ पेपर आप वहाँ पर रख सकते हो इस बाइक का। और अगर देखें तो इसके सुनने में आ रहा है कि ये जो साइड के पैनल हैं ये भी थोड़े चौड़े किए गए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग तो नहीं रहा है कि ये चौड़े किए भी गए हैं या फिर नहीं। पता नहीं ऐसा क्यों, लेकिन शोरूम से मुझे मालूम पड़ा शायद चौड़ा हुआ हो। इस साइड का तो भाई डेफिनेटली बहुत बड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा चौड़ा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज इसके अंदर बना दी गई है। बाकी अगर वहीं मैं आपको दिखाऊं इसके अंदर, तो बैटरी डेफिनेटली चेंज हुई है। रिले पहले यहीं पर आता था, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ECU जस्ट यहाँ पर है, जो कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। इसका जो साइलेंसर है वो पूरा चेंज किया गया है, इसका प्लेट पूरी चेंज की गई है, पीछे से जो ढोलकी के जो छेद होता था वो भी चेंज किया गया है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ थोड़ा सा। अगर आप यहाँ पर देखो तो ये जस्ट एग्जैक्ट गोल यहाँ पर वेल्डिंग हुई है। वहीं अगर मैं पुराने वाले में आपको दिखाऊँ, ये भी देखो स्प्लेंडर प्लस ही है और नया वेरिएंट ही है, लेकिन यहाँ पर देखो तो ये जस्ट गोल ना होकर के यहाँ पर ज़्यादा दूरी है, यहाँ पर कम दूरी है। तो ये देख लो, तो साइलेंसर जो है पूरी तरीके से चेंज किया गया है। बाकी टायर की गोटियाँ तो नॉर्मल हैं, वो तो थोड़ा बहुत चेंज होती रहती हैं, नहीं सेम है। अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ चेंज इसके अंदर नहीं आया। ग्रैब रेल हैंडल जो है पुराना वाला ही है, मुझे लगा कि शायद थोड़ा बहुत चौड़ा करेंगे, लेकिन ये चौड़ा करने की कोशिश नहीं की गई है। बाकी साइड पैनल में हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या कोई और स्टिकर डाला गया है, तो नहीं, यहाँ पर कोई खास स्टिकर नहीं डाला गया, पुराना वाला जैसे आ रहा था। थोड़ा बहुत रीडिज़ाइन करना ज़रूरी होता है, लोगों को दूर से ही मालूम पड़ जाए कि हाँ कोई नई बाइक मार्केट में उतरी है और वो एक्चुअल में दिखती कैसी है। बाकी i3s की स्विच और सेल्फ का स्विच आप देख लो, काफ़ी चेंज कर दिया गया। मतलब ये चीज़ बहुत छोटी सी आती थी, नीचे की ओर दबती थी, अभी ये काफ़ी बड़ी कर दी गई है। हज़ार्ड की स्विच यहाँ पर, हेडलाइट अपर डीपर की स्विच यहाँ पर है, और पास की स्विच यहाँ पर है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हॉर्न का स्विच यहाँ पर है, इंडिकेटर भी काफ़ी चेंज कर दिया गया है। पहले अटक जाया करती थी, लेकिन अभी ये काफ़ी अच्छी महसूस भी होती है छूने में। बाकी चार्जिंग का पोर्ट यहाँ पर दे दिया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने आपको दिखाई दिया। मीटर काफ़ी अच्छा है, मोबाइल का बार, ब्लूटूथ, अब अगर आप फिर से देख लो तो ब्लूटूथ, मोबाइल का बार, कॉल, मिस कॉल और मैसेज, ये सारी चीज़ें यहीं पर दिखाई देती हैं। हेलो माय हीरो करके यहाँ पर लिख करके भी आता है, काफ़ी इसे भी हम लोग चेंज कर पाते हैं। शुरू में सुनने में आया था कि ये भी चेंज हो जाता है, लेकिन हुआ नहीं था किसी का, बस कहने की बातें थी। बाकी कीज़ वही पुरानी वाली, कुछ चेंज नहीं किया गया इसमें, चेंज हो कभी का, यही बहुत अच्छी थी। और बाकी ये सब चीज़ पुरानी ही है, हैंडल बार पुराना ही है, ये भी ब्लैक कर देते थोड़ा सा तो बाइक का लुक थोड़ा और अच्छा हो जाता, गद्दी चेंज कर देते तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता, फ्यूल का कैप चेंज कर देते तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता। लेकिन ये अभी चेंज नहीं होगा, आगे आने वाले 4-5 और जो अपडेट आएंगे उसके अंदर इसे चेंज कर दिया जाएगा, क्योंकि पहले इसको खोलो, उसके बाद इसके अंदर एक ढक्कन है वो खोलो, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और ज़्यादा पेचीदा है तो कह सकते हैं। सो दोस्तों, बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो यार प्लीज़ ख्याल रखना अपना और अपनी बाइक्स का। बाय बाय।